एसटी महामंडल के कर्मचारियों द्वारा शासन विलगीकरण की मांग को लेकर गत एक सप्ताह से एसटी बसों के चक्के जाम है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते जनता की सुविधा में आज से निजी परिवहन की बसों को शुरू किया गया है। एसटी महामंडल कर्मचारियों की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को भी कर्मचारियों की मांग पर समाधान नहीं निकल पाया, जिससे यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग, आरटीओ विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए निजी बसों को शुरू किया गया है। शासनाच्या आदेशानुसार तसेच महामंडळाने दिलेल्या आदेशानुसार बस स्टँडच्या परिसरातून म्हणजे गेट परिसरातून प्रवाशांच्या सुविधेसाठी बसेस चालू करण्याचे आदेश प्राप्त झाले होऊन आम्ही आरटीओ डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट आणि प्रशासन याच्या वतीने प्रवाशांना सोयीसाठी आमचे गणेशपेठ बसस्थानकाच्या गेटसमोरून बसेस सोडण्यात येत आहेत। बसेस जे आहेत त्यानुसारच दरपत्रक आकारण्यात येणार आहे आणि जर आमच्याकडे तक्रार आली की त्याच्यावर जास्त मागत आहे तर मग तशा त्या हिशोबाने आम्ही त्यांच्याशी बोलू, पण सध्याच्या पॅनिक सिच्युएशनमध्ये आपल्याला प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये ह्यावर जास्त लक्ष द्यायचं आहे। प्रवाशांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचता यायला पाहिजे, त्यांच्या गावापर्यंत जाता यायला पाहिजे, ते सगळ्यात पहिले बघायचं आहे आपल्याला। गणेशपेठ थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक रियाज मुलानी द्वारा बताया गया कि यात्रियों की सुविधा में आज से निजी बसों को शुरू किया गया है, जो सुचारू रूप से हो इसलिए यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी लगाई गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।